अखिल भारतीय गढ़वाल समाज शाखा भिलाई का पारिवारिक मिलन समारोह विभिन्न आयोजनों के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के बुजुर्गों का सम्मान करने के साथ प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज शाखा भिलाई की अध्यक्ष लीला देवी काशिकपुरी की पहल से समाज की दुर्ग भिलाई शाखा का पारिवारिक मिलन समारोह संपन्न हुआ। शुभारंभ के पूर्व संस्थापक ब्रह्मलीन मुरली लाल ब्रह्मे के तैलचित्र पर समस्त समाज के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर समाज के अन्य सदस्यों को जोड़ने के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। समारोह में महिलाओं और बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। साथ ही समाज के वरिष्ठों का सम्मान करने के साथ प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज एवं एक अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ गढ़वाल राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज भिलाई मंडल के तत्वाधान में गढ़वाल भवन कोका भिलाई में भी गढ़वाल समाज का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में भिलाई दुर्ग सहित आसपास के हमारे सामाजिक बंधु उपस्थित हुए हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। हम ये कार्यक्रम मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में एकजुटता लाना, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करना, साथ ही शिक्षित समाज का विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आज हमारे बीच हमारे गढ़वाल समाज के बुजुर्ग और भिलाई मंडल के अध्यक्ष श्रीमती लीला देवी काशीपुरी जी बहुत अपनी टीम के साथ इस आयोजन को कराने के लिए अपना पूरा समय दी। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सभी सजाती बंधुओं को बधाई देता हूँ कि इस टाइप का आयोजन में जो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे समाज को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। समाज की भिलाई शाखा अध्यक्ष लीला देवी काशीपुरी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गढ़वाल समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।